गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 राजेंद्र बाबू के विषय में पढ़ा, जो कि प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की रचना है। इस पाठ में हमने महादेवी वर्मा जब पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने उसका वर्णन किया, उनके रहन सहन के विषय का वर्णन है। आइए हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर उन्हें 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, और वे यदि अपने छात्रावास में रहकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाएं में बैठा दें तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं महादेवी वर्मा के संरक्षण में आ गई, और उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी, कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी इन्हें राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी यानी पत्नी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्र धारिणी का अर्थ है संबंधों को चलाने वाली। ससुराल में उन्होंने बालिका वधु के रूप में पदार्पण किया। पदार्पण करना अर्थात वो एक बालिका वधु के रूप में ससुराल में आई थी। संभ्रांत जमींदार परिवार, संभ्रांत का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों से नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनके रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाई। राजेंद्र बाबू ने बताया कि बालिकाओं की दादी किसी का छुआ नहीं खाती, केवल ब्राह्मण रसोईया इसका अपवाद है, यानी वो केवल किसी ब्राह्मण रसोईये का बना हुआ ही खाती थी। छात्रावास का रसोईया महाराज उनकी थाली परोस देगा, कुछ अन्यथा न मानना, कहकर वे संकुचित से हो गए। बिहार के जमींदार परिवार की वधु और स्वातंत्र युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने का उन्हें कभी अहंकार न कभी उनको अहंकार हुआ और न उन्होंने कभी ऐसा सोचा, कभी उनके मन में भी ऐसी बात नहीं आई कि वे बहुत ही बड़े परिवार की बहू और स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी हैं। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था, यानी जिस प्रकार बहुत ही सीधे और सरल राजेंद्र बाबू थी, उनकी पत्नी भी वैसे ही थी। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर भी वे सबको बुला बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना न भूलती थी। अब घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्रायः सभी बढ़ जाता था। देखने वाला यह जान ही नहीं सकता था कि वह उस सबकी अय्या अर्थात दादी नहीं है, यानी सबके ऊपर उनका प्रेम बराबर था। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रायः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से गंगा यमुना की भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थी। प्राप्य देने का अर्थ यानी जो उन्हें देना होता था, उनको देने योग्य जो भी था वो उन्हें देती थी। बालिकाओं के बारे में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहती थी, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे अधिकतर समय वह जेल में ही रहते थे। अतः प्रायः
किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में अनुपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोतियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। बहुत ही साधारण किस्म के इंसान थे राजेंद्र बाबू। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, मेरे राष्ट्रपति बन जाने से मेरी पोतियों को उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। कर्तव्य सुख भोग या मनोविनोद से नहीं मिलता, कर्तव्य विलास नहीं, कर्तव्य तो कर्मनिष्ठा है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उनकी पत्नी को कभी भी यह अहंकार नहीं हुआ या घमंड नहीं हुआ कि वो एक राष्ट्रपति की पत्नी है। वे स्वयं भोजन बनाती थी और एक सामान्य भारतीय गृहिणी के समान अपने परिवार में सभी को वो भोजन करा के अंत में भोजन करती थी। उस विशाल भवन में मैं यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएंगी। महादेवी वर्मा आगे बताती हैं किस प्रकार राष्ट्रपति भवन में उनका आतिथ्य हुआ था। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग के सिरके के बने एक दर्जन सूप लाने का आदेश भी दिया। सूप अनाज फटकने या साफ करने के प्रायः काम आते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई, यानी वो आश्चर्यचकित हो गए कि कोई आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची। अतः उनके यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की, यानी मैंने भी बिना अन्न वाला ही भोजन करना चाहा। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, यानी बहुत ही खर्चीला हो जाता है, क्योंकि उपवास वाले दिन हम बहुत ही तरह तरह के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने बहुत प्रकार के मेवे मिष्ठान से पारायण नहीं किया, कुछ उबले हुए आलू खाकर उन्होंने अपना व्रत की समाप्ति की। मुझे भी वही खाते देखकर उनके दृष्टि में संतोष और होठों में बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो। मन के इतने सरल थे, इतने स्वच्छ थे कि कोई भी उनका शत्रु नहीं था। अनेक बार प्रश्न उठता है कि क्या वह साँचा टूट गया
जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। राजेंद्र बाबू को देखकर महादेवी वर्मा के मन में यही प्रश्न आया कि क्या वह सांचा टूट गया, यानी क्या ऐसे इंसान अब बनने ऐसे इंसान होने बंद हो गए जिसमें इतने कठिन लेकिन कोमल चरित्र के लोग हुआ करते थे। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।